नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आपको पता है, भगवान ने हम लोगों को पहाड़ियों को दो आशीर्वाद दिया है। एक तो एक माथा इतना बड़ा जो किसी काम का नहीं है, दूसरे गांव के खेत जो अभी बंजर पड़े हैं वो भी किसी के काम के नहीं है। आज सुबह की शुरुआत मेरी हुई बालों में तेल लगाकर। मेरी माँ ने मेरी चंपी करी और मैंने उसी दौरान मम्मी से एक छोटा सा इंटरव्यू लिया और मम्मी से चीज़ें उगलवाई कि उनके बचपन की चीज़ें क्या। मेरी मम्मी थोड़ी सी शर्मीली है, इसलिए मैंने खरोच खरोच के मम्मी से उगलवा रही थी। तो देखो एक छोटा सा शॉट। मम्मी मैं आपका इंटरव्यू लूंगी, ठीक है? नहीं। क्यों? मम्मी जब आप छोटी थी तो आपकी मम्मी भी सर पे तेल लगाती थी? तो पता ही नहीं है, याद नहीं आपको? मम्मी जुए तो नहीं निकालती थी? कभी कभी पड़े रहते थे। हमारे घर गाँव में टाइम नहीं लगता ना, बाड़ी करते गाय। मम्मी आपने कौन सी उम्र में खाना बनाना सीखा था? मैंने खाना ससुराल में सीखा। क्या ससुराल में सीखा? 13-14 साल की थी। 13-14 साल में शादी हो गई थी आपकी? हाँ। मम्मी फिर तो आपकी सास ने मार मार के सिखाया होगा? तो प्यार से सिखाया। मम्मी आपको अपने बचपन की सबसे अच्छी याद कौन सी है, मतलब जो आपको कभी नहीं भूलता? मुझे लगता है कभी नहीं आया। क्या मम्मी आप कैसे बोल रही हो? कोई तो दिन होगा यार। वो दिन मेरा था, मेरी माँ हलवा बनाती थी। अच्छा, तो बोलती थी मैं ये करती हूँ। अच्छा मम्मी, जब आपने पापा से शादी करी आपको पापा अच्छे दिखे थे? मतलब दिखने में कैसे थे पापा? बिल्कुल नहीं। Wait a minute. मतलब दिखने में कैसे थे पापा? है अच्छे नहीं लगे? क्यों? पापा तो गोरे चिट्टे थे फिर भी अच्छे नहीं लगे। तो क्या क्या पूछ जाएगी? नहीं बोलूंगी कुछ है। आ, प्यारी समझ गई। मेरे पापा मेरे जब बिल्कुल पसंद नहीं आए। क्यों बोल? क्यों? जब मैं छोटी थी, हाँ? सोची थी लड़का नहीं होता तो मैं अपनी माँ पे डाले। अच्छा लगा। उठा ले रे बाबा, उठा ले मेरे को, नहीं रे इन दोनों को उठा ले। आपको लगा इसकी वजह से? तू क्या क्या बुलवाएगी? अरे ये तो सब जानना चाहते होते हैं, सबकी लाइफ में होता है ये। मम्मी जब आप सबसे जब आप छोटी थी ना, तो आपको सबसे अच्छा खाने में क्या लगता था? खाने क्या मिलता था गांव में? वही रोटी चावल भात। फिर भी कुछ चावल भात दाल भात भात दाल भात। मम्मी आपको हम जैसे हम तीनों पैदा हुए तो सबसे ज्यादा खुशी किसके पैदा होने में होती? भैया के खुशी? हाँ खुशी किसके टाइम में हुआ? मम्मी सबसे ज्यादा दुखी तो मेरे टाइम हुई ना, तू चाहती नहीं थी ना मैं पैदा हूँ, मतलब तू तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी ना। तो फिर आपने क्यों पैदा किया मुझे अगर आप चाहती नहीं थी ना? तो आप लोग सोच रहे होंगे ये पीला पीला क्या है? ये हमारे खेत की हल्दी है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी कॉलोनीज है ना, जितने भी यहाँ पे घर है फैमिली है, कोई ना कोई उनका एक सदस्य या मेंबर फौज में है। तो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं यहाँ पे फौजी फैमिली है, तो इन फैमिलीज में जो वाइफ हैं जो महिलाएं हैं वही मतलब इन सबका पर्सनल किचन गार्डन है। जैसे आप देख रहे हैं सबका पर्सनल किचन गार्डन ये हमारा है, रोड पार किसी और का है। तो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं ना वो बहुत हार्डवर्किंग है, वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचती कि खुदाई करना मिट्टी में रुपाई करना। हर मौसम में वो हमेशा अपना टाइम यूज़ करती हैं, घर में खुद खुदाई करती हैं, गार्डन की खुदाई करती हैं और उसमें ऑर्गेनिक सब्जी उगाते हैं। यानी कि हमारी कॉलोनी की जितनी भी महिलाएं हैं ना वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर एकदम आत्मनिर्भर है। सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम। एकदम घर की हल्दी है, कितने साल की? अभी ये भी हल्दी है, इसलिए हल्दी है, इसको और छील के इसको पकाएंगे, शिखर से बनाया हुआ है, ठीक है? मेरी मम्मी की मेहनत है इसमें ज्यादा। अभी मम्मी के सामने बोल रहे, मम्मी की मेहनत, अकेले में होते तो मैंने सारा किया है। गाड़ी को थाल ये। पापा आप बोलो YouTube वालों को कि अगर वो खरीदना चाहे या फ्री में जो भी आपका काम हो। मैं खरीदने फिरने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोग भी अपने जो किचन गार्डन आपके घर के आसपास है उसमें अपने ऑर्गेनिक खेती बनाएं, देसी खाद जो गोबर होता है वो खाद ला के बनाएं और ऐसी ऐसी चीज़ें उगाएं, हल्दी है, आलू है, पालक है, धनिया है, मेथी है और प्याज है, लहसुन है। ये लहसुन देखो हमारा, ये भी देखो, इसको दिखाइए, ये लहसुन तो दिखाओ। घर में खाली जब आपके पास टाइम होता है तो ये काम करना,
इससे क्या होता है, एक तो स्वास्थ्य भी ठीक होता है, आप काम करेंगे तो आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, मांसपेशियां हैं, पूरी हरकत में रहेंगे, आपके मेंटली सही रहेगा, आपका ध्यान एक जगह से दूसरी जगह आकर्षित होगा, हरा भरा रहेगा, उससे भी आपकी आंखें ताजी होती हैं और आपका मन खुश रहता है। और अपने हाथ से किया हुआ काम, हाथ की उगाई हुई सब्जी अगर आप खाएंगे तो आपको और ज़्यादा खुशी मिलेगी कि ये मेरे किचन गार्डन से उगा हुआ साग सब्जी है। ठीक है, और ये है आपकी मम्मी है, मेरी मैडम। अच्छा अच्छा, ये बहुत दिन मेरी मैडम। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, क्या बोल रही हूँ, नहीं हो क्या पापा की मैडम? बहुत मेहनत करती है, इसी की मेहनत है। मेरे को सुबह ले आती है गार्डन में, सुबह चलो 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 चलो, दाएं बाएं नहीं जाने देती। ये मूली हैं, ये देखो यहाँ देखा, ये आलू निकाले, ये इन चीज इसमें कोई केमिकल नहीं है, किसी चीज कोई दवाई का छिड़काव नहीं, कोई यूरिया नहीं, कुछ नहीं। तो कुछ मत, डबल टेस्ट आता है, एक मेहनत किया हुआ होता है ना आदमी का, तो उस मेहनत का अगर फल आपको मिल रहा है तो दुगना टेस्ट आता है। उसमें से भी अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से यही गुजारिश करूंगा कि आपके आसपास जो भी खाली जगह मिलती है वहाँ पर फूल लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, अगर किचन गार्डन की जगह है तो किचन गार्डन बनाओ। आजकल यूट्यूब में सब कुछ दिया रहता है, किसी से सीखने की जरूरत नहीं। ओके ओके, थैंक यू बेटा, ओके बाय। और ये तो बोलो चैनल को। हाँ भाई, अगर मेरी ये बिटिया जो है ना, ये थोड़ा वीडियो बना रही है यूट्यूब के थ्रू, अगर आपके पास पहुँचता है, आप देखते हैं इसको, तो पक्का कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और तो थोड़ा घंटी भी बजा देना, शेयर भी करना अपने दोस्तों को, ऐसे शेयर सब्सक्राइब तो पक्का कर देना दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगा, नहीं लगा तो आप बता भी देना कि अंकल आपने कुछ गलत बोल दिया। आपकी शादी के लिए भी हेल्दी है, हाथ पीले करने मैंने। चलो मेरी शादी के बारे में सोचा तो सही। बहुत लोग कहते हैं कि पहाड़ी जो होते हैं ना वो बहुत मेहनती होते हैं। को पैसा बर्बाद। तो आज मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करी हल्दी उगाने में, इसलिए मैंने उनके लिए बनाए हैं गोलगप्पे। खांसी आई आराम से, बहुत ज्यादा डाल रहा। मजा आया, यहाँ पे हो रहे हैं हमारे गोलगप्पे पार्टी। कैसे बने मम्मी? अब पापा आप 10 में से कितने अंक दोगे? 9? एक नंबर कहाँ? एक नंबर तेरा बहुत ठंडा है। को पैसा बर्बाद। बोले जब गोलगप्पा फट रहा है ना, मजा आ रहा है। अगर आप लोगों को भी गोलगप्पे खाने हैं तो मेरा ये वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का कर देना, और मेरे घर आ जाओ।